Hi you guys, welcome back to my channel. Hi. आज हम सरोजनी नगर हॉल बनाने वाले हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हम सरोजनी नगर शॉपिंग करने गए थे, सरोजनी ब्लॉग। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको लिंक कर दूंगी, कहीं आप जाके देख सकते हैं। बट आज हम आपको बताएंगे हम क्या क्या लेके आए हैं सरोजनी से। मेनली हम लोग ड्रेसेस लेके आए हैं, ऑब्वियसली जो हमें पसंद आती हैं। मुझे जैसी पसंद है फ्रॉक स्टाइल ड्रेसेस मैं वैसी लाती हूँ, पर ऑब्वियसली चुननी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं ड्रेसेस। आपकी नज़रें जिस ड्रेस पे पड़े वो आपको अच्छी लगनी चाहिए और आपको समझ होना चाहिए कि वो ड्रेसेस कैसी हैं। तो यूजुअली हम दोनों बहुत ही क्विक शॉपर्स हैं। हम दोनों एक आइटम देख के जल्दी से पता कर लेते हैं कि हमें ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और हम इसको किसके साथ पहन सकते हैं और कितनी बारी पहन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बहुत जल्दी पता कर लेते हैं। मेरी नज़र वहाँ जाती है जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे ड्रेस पसंद आ जाएगी और मैं उसको ले लेती हूँ, और लकीली वो आ भी जाती है। तो और हम दोनों सरोजनी में इतने टाइम से शॉपिंग कर रहे हैं कि हमें अपने साइज़ का आइडिया भी अब बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो कोई भी कपड़ा दूर से देख के हमें समझ में आ जाता है कि हमें फिट आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं पहले आइटम से जो हम लेके आए हैं। मैं एक्चुअली बहुत क्रॉप टॉप्स पहनती हूँ, जैसे आप लोगों को पता है, तो मैं दो तीन क्रॉप टॉप्स लेके आई हूँ। पहला है ये ब्लैक ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप, आप देख सकते हैं, बॉडी फिट, रियली नाइस फिटिंग। ऐसी स्लीव्स है इसकी और फिट्स परफेक्टली है ना, अच्छा सा फिट आया है, स्ट्रेची है अच्छा सा। हाँ बहुत स्ट्रेची है, किसी को भी फिट आएगा। और मैं ये लेके आई हूँ सिर्फ 150 रुपीस में। वाओ, एंड दिस इज सच अ नाइस बेसिक टॉप, मतलब ये तो किसी भी चीज के साथ पहन सकते हैं, ब्लैक क्रॉप टॉप। हाँ मतलब ब्लैक तो इज नाइस कलर, किसी के साथ भी मैच हो जाता है। मुझे थोड़े ड्रेसेस पसंद हैं तो मैं ये ड्रेस पसंद करके आई थी। इसका मुझे छोटा सा फ्रीली स्टाइल, ये जो फ्रील है वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं एक्चुअली सिंगल वन पीस ड्रेस पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ऑब्वियसली स्लोई शिफ्ट बिकॉज सर थोड़ा सा वेट भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वेट गेन कर लिया था कोरोना के टाइम पे, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो मैं ड्रेसेस भी वैसे चूज करती हूँ जिसमें थोड़ा सा हाइड हो जाए। सो आई प्रीफर थोड़ी स्केटर ड्रेसेस या फिर थोड़ी ए लाइन शेप ड्रेसेस। तो ये वाला ड्रेस मैंने ली है, दिस इज ओनली फॉर 250 रुपीस, एंड इट्स सच अ नाइस ड्रेस। मतलब ये आप कहीं पे भी पहन सकते हो, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और कहीं जाने के लिए, वेरी इजी, मतलब मॉल जाने के लिए भी और सब्जी लेने के लिए भी। कूल ड्रेस, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब कोई ड्रेसी बने, दिस इज नॉट ड्रेसी बट इसको कर सकते हो आप, ड्रेसअप भी कर सकते हो, ड्रेस डाउन भी कर सकते हो। वही मेरा नेक्स्ट आइटम है ये स्कर्ट। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ज़ीब्रा प्रिंट, आई लव एनिमल प्रिंट्स, लेपर्ड प्रिंट, ज़ीब्रा प्रिंट, काउ प्रिंट, स्नेक प्रिंट, आई लव ऑल एनिमल प्रिंट्स, मुझे सारे एनिमल प्रिंट्स अच्छे लगते हैं। और ये एक्चुअली एक स्वेटर मटेरियल है, द मटेरियल इज वेरी थिक। तो ये स्कर्ट देखते ही मुझे बहुत एकदम से एक्साइटेड हो गई थी मैं कि ये स्कर्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। कैसी ये स्कर्ट मैंने देखी थी क्योंकि मुझे पसंद आई थी बहुत, और मैं ये इसने नहीं देखी थी। हाँ, मैंने दिखाई थी कि तन्नू ये स्कर्ट देख, बहुत अच्छी। एक्चुअली मेरा निकनेम तन्नू है, मम्मी मुझे घर पे तन्नू बुलाती है। मेरा नाम ऐश्वर्या है बट मुझे पता है, बट मेरा पेट नेम तन्नू है। तो मम्मी ने बोला कि तन्नू ये स्कर्ट देख बहुत अच्छी है, मैंने बोला हाँ बहुत अच्छी है, तो हमने ले ली। कितने की थी ये, 250 क्योंकि मुझे पता है ना इसको, एक्चुअली इसको लेपर्ड प्रिंट्स, स्नेक प्रिंट्स बहुत पसंद है। ये वाले सारे एनिमल प्रिंट्स एक्चुअली पसंद है, तो इसीलिए मैंने, मेरी नज़र इस पर पड़ी और मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये मिडी टाइप की स्कर्ट है, नीचे मैंने घर के क्रॉक्स पहने हैं क्योंकि पैर तो हमारे दिख नहीं रहे, तो मैंने कोई हील्स नहीं पहनी है। वेरी वेरी नाइस फिटिंग और वेरी लूज एंड कंफर्टेबल, सुपर स्ट्रेची और स्वेटर मटेरियल है, तो इसको पहन तो मैं सर्दियों में ही सकती हूँ, बट आई लव इट। ओके सो दिस इज माय सेकंड आइटम, मैंने इसी स्कर्ट के साथ पहन लिया है, बट ये एक बेसिक न्यूड स्पेगेटी टॉप, काइंड ऑफ न्यूड टैंक टॉप सिचुएशन है ये। और ये मैं जैकेट्स के नीचे पहन सकती हूँ, और बेसिकली न्यूड टॉप तो किसी के भी साथ पहन सकते हैं, बस ये ऊपर से थोड़ा सा टाइट होता तो बेटर फिटिंग होती, बट इट्स स्टिल वेरी नाइस। मुझे पता है इट्स अ नाइस बेसिक न्यूड टॉप, आई एम गोना वेयर इट विद एवरीथिंग। And this is one nice short red dress. I love red color. And this is actually looking very pretty. ये टॉप मैंने लिया था 150 रुपीज का, ये मैंने ली थी 250। मेरी सारे आइटम्स ज्यादातर 250 के, आई डोंट नो व्हाई। ड्रेसेस लेते हैं, मुझे नहीं पता, यूजुअली टॉप्स 150-200 में मिल जाता है और ड्रेसेस 250-300, हाँ, कुछ बहुत स्पेशल है तो 350। मेरा नेक्स्ट आइटम है ये क्रॉप टॉप, ये एक्चुअली इट्स द सेम क्रॉप टॉप इज द ब्लैक वन जो मैंने अभी पहले पहना था, बस ये ब्लैक बेस है और मल्टी कलर स्पार्कल्स है इसमें। तो आई लव क्रॉप टॉप, सॉरी ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप इतना सुंदर है, इसके साथ बड़ी बड़ी इयररिंग्स और नेकलेसेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। दिस is the crop top, very nice sparkling. I love sparkles. And another, मेरे पास सेम अगेन, मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे वन सिंगल पीस अच्छा लगता है, सो दिस इज थर्ड वन जो मुझे बहुत पसंद आई थी। दिस इज ग्रीन, क्यूट, प्रिटी नाइस ड्रेस, यस, एंड
नी लेंथ से थोड़ी सी और लंबी है, पर लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी तो मैंने ये ड्रेस ली. दिस इज ऑल्सो आई थिंक अगेन 250. हाँ ऐसी ही होगी. इससे ज्यादा तो कोई ड्रेस है ही नहीं. मतलब ये टॉप भी 150 का ही था. पर लेकिन एक बात, बहुत ही भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी. ओह माय गॉड, हम फ्राइडे को गए थे और इतनी भीड़ थी कि मैं व्लॉग बनाते बनाते भी इतने सारे लोगों के बीच में ना व्लॉग बनाना भी मुश्किल हो जाता है. और फिर मतलब भीड़ में चुनना वॉज रियली डिफिकल्ट कि हम लोग क्या पहन रहे हैं क्या देख रहे हैं. भीड़ में बहुत डिफिकल्ट था, पर फिर भी हम लोग ये ड्रेसेस लेकर आए. हाँ, अच्छा सामान लेके आए और जल्दी शॉपिंग की. बहुत बहुत टाइम नहीं लगा हमें शॉपिंग करने में. वन एंड हाफ आवर में हम लोग डन थे और हम लोग सारी ड्रेसेस लेके आ गए थे. यू लुक ब्रंच रेडी. ब्रंच पे जा रहे हो आप, आपको देख के ऐसा लग रहा है. ऐसे होना चाहिए आई थिंक, जितना खाओ थोड़ा पेट भी नजर ना आए. किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने सारा ब्रंच खा लिया है. अगेन एक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी. ये हाई लो ड्रेस है पर म्यूलेट, राइट? म्यूलेट ड्रेस है ये. और दिस इज तो वेरी ड्रेसी अदरवाइज. अच्छी स्टेलेटोस हील पहन के आप इसको पार्टीज में भी पहन के जा सकते हो. आई बिलीव दिस कि ये पार्टी वेयर ड्रेस है. बहुत क्यूट है ना. आप येलो क्रॉक्स के साथ मैच कर रहे हो. दिखाओ कौन से क्रॉक्स. मेरी क्रॉक्स, येलो क्रॉक्स नहीं दिख रहे. हम घर पे पहनते हैं क्रॉक्स. अच्छा जल्दी दिखाई से नहीं. मेरे क्रॉक्स, येलो क्रॉक्स. हाँ येलो क्रॉक्स जा रहे. पर मैं ये बाहर क्रॉक्स पहन के जा नहीं सकती. ये भी आई थिंक हमारे 250 से ज्यादा की नहीं है. पर इसका मटेरियल भी कितना अच्छा है. इसका मटेरियल बहुत स्ट्रेची है. क्वालिटी भी अच्छी है. स्ट्रेची भी है और क्वालिटी भी अच्छी. थिक मटेरियल है. कितने की थी ये ड्रेस? 250 मैंने बताया. 250 हाँ, मेरे को सब ज्यादातर ऑलमोस्ट 250 में ही मिला है. नहीं मैं भूल गई. मैं कहती हूँ मेरे सारे ड्रेसेस 250 में आई हैं. 250 मतलब सारी ड्रेसेस नहीं. ईच ड्रेस मुझे 250 में आई है. मेरा नेक्स्ट आइटम है ये टी शर्ट. ये बेसिकली मैंने घर पे पहनने के लिए ली है पजामे के साथ. और ये 100 रुपए की थी बट सुपर सुपर सॉफ्ट, सुपर कम्फर्टेबल. प्लस आई लव दिस कलर, रियली नाइस ब्लश पिंक. घर पे पहनने के लिए बिल्कुल कम्फर्टेबल और वेरी वेरी नाइस. ईजी टू वेयर एट होम बेसिकली. एंड ओनली 100 रुपीज. टोटली वर्थ इट. टोटली वर्थ इट. 100 रुपीज. वाओ. एंड नाइस कलर. हाँ दिस कलर इज वेरी प्रिटी. पिंक, दिस ब्लश पिंक इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स. अब मेरी नेक्स्ट ड्रेस है ये ब्लू ड्रेस. मुझे बॉडीकॉन ड्रेसेस बहुत पसंद हैं. अभी वैसे मैंने थोड़ा खाना खाया हुआ है बट आई लव बॉडीकॉन ड्रेसेस. आई फील लाइक दे आर सो इजी टू स्टाइल. यू कैन ड्रेस देम अप, ड्रेस देम डाउन. एंड दिस इज सो सुपर स्ट्रेची. और ये कलर भी इतना सुंदर पिकऑक ब्लू कलर है तो ये देखते ही मुझे चाहिए थी. 200 रुपए की थी बस. 200 लेकिन बहुत ही प्रिटी कलर है इसका. बहुत अच्छा एकदम ब्राइट. ये एक शर्ट ड्रेस है जो कि बहुत ही कम्फी है. और शर्ट ड्रेस तो मतलब कोई भी पहन सकता है वैसे अदरवाइज. इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही थी इसकी दो पॉकेट्स. पॉकेट्स आर परफेक्ट बिकॉज आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मुझे कम्फी ड्रेसेस ही पसंद है जिसमें सब कुछ मजेदार सा इजीली हम लोग इजीली वॉक कर सकते हैं, इजी चल सकते हैं. और ये ड्रेस 200 रुपए की थी, मैं बता चुकी हूँ आपको. हाँ, मैंने बताया शायद 250. मेरे तो आप मत पूछो दोबारा क्योंकि 250 चल रहा है. 250 रेंज चलती है ड्रेसेस की. अब मैं इसके साथ आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट आइटम जो मैं लेके आई हूँ. मेरी फेवरेट जैकेट. प्रिटी थिंग एक्चुअली हमने जो खरीदा है. Look at this jacket. Wow. Look at this beauty. और ये बिल्कुल भी ड्रेस से मैचिंग है. मैच कर रहा है. It's the same. मुझे आएगा नहीं ना, नहीं तो मैं भी रख लेती ये जैकेट. हाँ नहीं तो हम सब कुछ शेयर करते हैं. वैसे हमारा शू साइज तो सेम है तो हम जूते तो शेयर करते ही हैं. बट वेट प्रॉब्लम है तो नहीं शेयर कर सकते. बाकी सब तो शेयर करते हैं. ज्वेलरी शेयर करते हैं, मेकअप शेयर करते हैं, जूते शेयर करते हैं, कपड़े भी हम ढीले वाले. ये जैसे ड्रेस मैं पहन लूंगी मेरी चीज ले लूंगी और अपनी चीज दे दोगे. वाह यार. तो ये जैकेट है. ये जैकेट 400 रुपए की थी बट आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट. सो वेल मेड. कितनी सुंदर जैकेट है ये. मतलब मैं तो पागल हो गई थी. एक बात और, ये मैंने देखी थी. नहीं ये जैकेट मैंने देखी थी जाते ही. मैंने दिखाई थी. नहीं 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 मैं जैसे एंटर करता मैंने दिखाई थी. मैं व्लॉग नहीं, मेरे, नहीं. पास, मेरे पास सबूत है. हाँ, सबूत है. क्यों अच्छा क्यों तूने बनाया व्लॉग तब. हाँ तो ये जैकेट बस देखते ही मैं बहुत खुश हो गई थी. और ये ड्रेस और ये जैकेट मैंने दो अलग जगहों से लिया एक्चुअली बट लकीली एवरीथिंग मैचेस परफेक्टली. बट ये जैकेट मैं मोस्टली जीन्स के साथ पहनूंगी. आई थिंक इस ड्रेस के साथ भी बुरी नहीं लगती. अच्छी लग रही है. अच्छी लग रही है बट मैं मोस्टली जीन्स के साथ पहनती हूँ ऐसी जैकेट, लेदर बाइकर जैकेट स्टाइल. But I'm so happy. This is my favorite. Every time I go to Sarojini in the winter time, I have to pick up like at least one statement jacket. एक statement jacket तो मैं हमेशा लेके आती हूँ Sarojini से. And 400, 500 और बड़े बड़े coats तो मैंने 600 में भी लिए हैं. Totally worth it. Okay, this is also another one of my favorite outfits. I'm so excited about this. I love skater skirts because they hug you at your tiniest and then they just flow out, giving you a beautiful shape. So both of us got similar skater skirts. Mine is a little more like a fine check print.
hers is a little bigger check print but they both are check prints both and check yes both check prints and I'm wearing with my top because मैं वहाँ से कोई टॉप नहीं लाई थी सरोज नगर से तो मैंने अपना टॉप इसके साथ मैच किया है और this is little woolen kind again है ना हाँ थोड़ी सी है मतलब सर्दियों में ही पहन सकते हैं तो हाँ किसी अच्छे beautiful top और crop top जैसे इसने पहना है और मैंने full पहना है आप देख सकते हैं दोनों में pretty लग रहा है बहुत ये क्रॉप टॉप भी मैं सरोजनी से लेके आई हूँ आई लव इट दी स्पोर्टी फिट्स दे आर ऑल ओवर सोशल मीडिया राइट नाउ स्पोर्टी प्रिंट्स एंड दिस इज अ लिटिल ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और ये भी मैंने 150 रुपए का ही लिया था सरोजनी नगर से ये तीनों टॉप्स मैं एक ही जगह से लेके आई थी ना दोनों ब्लैक क्रॉप टॉप्स और ये ऑल 450 रुपीज के तीन टॉप्स लेके आई थी मैं तो और ये दोनों साथ में इतने क्यूट लग रहे हैं आई कांट वेट टू वेयर दिस आउटफिट लाइक आउट मेरे पास तो कोई और आउटफिट नहीं है और मेरे पास दो टॉप ही है तो मैं आपको दो टॉप चेंज करके दिखा देती हूँ मैं और कौन से दो टॉप लेके आई हूँ मेरा नेक्स्ट टॉप है ये वेरी वेरी रफली वाइट टॉप ये भी आई थिंक 150 या 200 रुपए का ही था उससे ज्यादा नहीं था इसके पूरी की पूरी स्लीव्स पे रफल्स हैं रियली रियली क्यूट आई लव द लेंथ ऑफ इट इसको टक इन करने की भी जरूरत नहीं है इसे भी अच्छा लग रहा है और हाई वेस्ट जीन्स के साथ भी अच्छा लगेगा आई थिंक बहुत सुंदर है वेरी वेरी जीन्स साथ वाइट तो बहुत सुंदर लगता है बट थोड़ा ट्रांसपेरेंट है as you can see I'm wearing a nude bra वो दिख रही है इसके ऊपर लेकिन इतना ज्यादा नहीं है ना थोड़ा सा ही है क्या कर सकते हैं अच्छा लग रहा है बट इतने पैसे में इतना ही मिलेगा आपके पास तो एक और टॉप है वो मुझे याद आ गया कि मैंने एक और लिया था ये टॉप नहीं ये कार्डिगन है जो मुझे बहुत पसंद आया था हालांकि अभी तो विंटर्स नहीं है मुझे पहन के गर्मी लग रही है पर मुझे आपको दिखाना है ना मैं क्या लाई हूँ इसलिए व्हाट आई बॉट एक्चुअली ये टॉप मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा है दैट इज ओनली फॉर 150 And it's really pretty, बहुत सुंदर है पर मेरे क्रॉक्स मैच कर रही है अगेन ये कलर बहुत अच्छा है वेरी फन ब्राइट कलर्स और यूजुअली सर्दियों के कपड़े बहुत न्यूट्रल और बोरिंग होते हैं बट ये अच्छा है नाइस कंफी और मेरा लास्ट टॉप है ये स्क्वायर नेक टाइप की टी शर्ट वेरी वेरी बेसिक ब्लैक टॉप बस मेरा ये लास्ट टॉप है मैंने भी और कुछ नहीं लिया ये भी 150 रुपीज का ही था और रियली बेसिक स्क्वायर नेक टी शर्ट दैट यू कैन वेयर विद एनीथिंग आई लव द लेंथ ऑफ इट इज वेल मुझे इस लेंथ की टी शर्ट्स पसंद हैं क्योंकि फिर हाई वेस्ट जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और ज़्यादा टक इन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टक इन करने से फिर चीज़ें बंच अप होने लगती हैं अगर वो बॉडी सूट नहीं है तो टी शर्ट्स की लेंथ मुझे यहीं तक पसंद है तो आई वॉज रियली हैप्पी विद दिस हम लोग हमने आई थिंक इतनी शॉपिंग की है पर हमने बैग्स भी लिए थे हैंडबैग्स एक ही हैंडबैग लिया था हमने मैंने भी लिया है अच्छा हाँ तुम दिखाओ ना ओके हम दोनों हैंडबैग्स भी लेके आए हैं और एक्चुअली सरोजनी में आजकल बहुत सारे बैगेट्स मिल रहे हैं एज यू गाइज नो बैगेट्स आर ऑल ओवर दीज डेज दे आर कम्प्लीटली ऑन ट्रेंड एंड आई रिसेंटली बॉट अ लॉट ऑफ बैगेट्स फ्रॉम एन इंस्टाग्राम पेज सो आई जस्ट गॉट वन हैंडबैग व्हेन आई सॉ दिस स्नेक स्किन प्रिंट आई वाज लाइक ये तो मुझे चाहिए ये भी स्नेक स्किन है पर दोनों को स्नेक स्किन बहुत पसंद है पर ये जैसे ही उसे दिखाया ना दिस इज पिंकिश पीची हाँ पीची वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल और ये टोट बैग है ना राइट हाँ दिस इज एन ऑफिस बैग और बहुत ही सुंदर है बस इसमें ना बहुत सारा सामान रख के लेके जा सकते हैं कोई एक्स्ट्रा बैग ले जाने की जरूरत नहीं है इसमें ना इसके अंदर एक पाउच भी है हाँ एक मेकअप बैग पाउच क्लच टाइप और इसमें मैंने पहले से ही बहुत सामान भर लिया क्योंकि जैसे आया मैंने अपने दूसरे पर्स से निकाल के सारा इसमें डाल दिया आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस बैग एयरपोर्ट टाइप के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान आ सकता है एंड इट्स सो नाइस ब्लश पिंक स्नेक स्किन रियली रियली लव दैट आई गॉट अ बेज स्नेक स्किन सो प्रीटी ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना वेयर इट विद दिस आउटफिट बिकॉज़ द स्कर्ट एंड द बैग दे आर जस्ट बट टू बिजी प्रिंट्स बट नहीं नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा कुछ भी हाँ ऑब्वियसली अभी तो कुछ मैचिंग नहीं है बट दिस इज व्हाट वी गॉट सो दिस इज ऑल दैट वी गॉट सुपर हैप्पी विद आवर शॉपिंग आई थिंक हम बहुत अच्छा अच्छा सामान लेके आए हैं इस बार आई थिंक सबको पसंद आया जो आप देख रहे हैं आई होप आप लोगों ने इंजॉय करी हो हमारी हॉल वीडियो और हम लोगों ने काफी सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं कि हम कितने रुपए में क्या लाए हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू गाइस इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस आप अगर हमें और शॉपिंग करते हुए देखना चाहते हैं और मार्केट्स भी देखना चाहते हैं जैसे हम लाजपत जा सकते हैं कमला नगर जा सकते हैं हम बना सकते हैं राजौरी गार्डन जा सकते हैं सो मेनी मार्केट्स जीके जा सकते हैं सो मेनी मार्केट्स इन दिल्ली जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है ऑब्वियसली सरोजनी इज लाइक द चीपेस्ट प्लेस टू शॉप एट बट फिर भी और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं बिल्कुल तो हम जाके वहां पे भी अपने व्लॉग्स और हॉल्स बना सकते हैं तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप और कमेंट्स में लिखिए आपको क्या देखना है और हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल और आप हमें बताएंगे तो हम उसके लिए दोबारा हॉल बनाएंगे कोई भी ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू गाइज बाय मैं आपको एक और चीज दिखानी भूल गई मैंने ये टॉप भी लिया था ये एक्चुअली एक कॉर्सेट टॉप है और ये मैंने 400 रुपीज का लिया था बट आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट इट फिट्स सो वेल ये देखते ही मैं समझ गई थी कि ये मुझे फिट तो आ जाएगा और ये बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे कॉर्सेट्स बहुत महंगे मिलते हैं बट सरोजनी में 400 रुपए का मिल गया हमें वेरी वेरी नाइस सो
ये भी लिया है मैंने।